हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उन लोगों के रहन सहन के बारे में, और वो कैसे एग्रीकल्चर करते थे, वो कैसे रहते थे, और हम बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स, मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो कवर करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो खोजी निकाली गई थी 2500 से 1750 BC में। तो फर्स्ट सिटी जो फाइंड आउट हुई थी, जो खोजी गई थी, वो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जो हड़प्पा थी वो पंजाब में निकाली थी, जो मोहनजोदड़ो थी वो सिंध में। तो ये बैंक्स ऑफ इंडस रिवर में निकाली गई थी। तो उसके बाद जो मेन जो सिटीज़ खोजी थी वो थी छंदोड़ो, जो कि सिंध में थी, लोथल गुजरात में, कालीबंगन नॉर्दर्न राजस्थान में, बनावली हिसार हरियाणा में, और धोलावीरा जो कि थी गुजरात में। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग कैसी थी वहाँ पे? तो टाउन्स जो थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्टर्न टाउन और ईस्टर्न टाउन। जो वेस्टर्न टाउन थे वो काफ़ी हायर ग्राउंड पे थे, जिनको हम सिटाडल भी कहते हैं। उसमें हाई वॉल्स थे, ग्रैनरीज थी, फायर ऑल्टर्स थे और ग्रेट बाथ था। तो ग्रैनरीज वो होती हैं जिसमें हम बहुत सारी ग्रेन स्टोर करके रखते हैं। फायर ऑल्टर्स जैसे कि हम जिसमें यज्ञ वगैरह करते हैं, वो सब होता था। और ग्रेट बाथ यानी कि जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिस माना जाता था कि वहाँ पर रिलीजियस बाथ होता है, बेदिंग होती है उधर। तो ये होता था रूलिंग क्लास के लिए। अब है ईस्टर्न टाउन जो था वो लोअर लेवल के लिए होता था, और काफ़ी कंपैरेटिवली वेस्टर्न टाउन से बड़ा होता था। तो जो ईस्टर्न टाउन होता था वो कॉमन पीपल के लिए होता, कॉमन लोगों के लिए होता था। तो वहाँ के लोग जो टाउन्स बनाते थे, जो बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स वगैरह जो होती थी वो ब्रिक्स से, यानी कि जो बेक्ड ब्रिक्स से बनती थी। तो उन ब्रिक्स का भी एक स्टैंडर्ड साइज़ होता था, जो कि बिल्डिंग, स्ट्रीट और ड्रेन्स के लिए यूज़ होती थी। तो इनके जो हाउसेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड थे। उनमें किचन था, बाथरूम था, कोर्टयार्ड था, और कुछ घरों में तो वेल भी थे, यानी कि कुएं भी थे। तो जिनका मतलब ये है कि वो उन लोगों को वाटर कंजर्वेशन के बारे में पता था और वो उस वाटर कंजर्व करते थे। तो उनका काफ़ी एक डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम भी था, और जो ड्रेन था वहाँ पे, जो ड्रेन्स होती थी वो काफ़ी कवर्ड होती थी। तो हर घर में एक ड्रेन होता था, और वो जो ड्रेन यानी कि जो नाली होती थी वो हर एक मेन ड्रेन के साथ कनेक्टेड होती थी, और एक इंस्पेक्शन होल भी होता था जिससे कि वो लोग क्लीन कर सकते थे। अब इनकी जो सड़कें थीं, जो स्ट्रीट्स थीं, वो हर राइट एंगल पर कट होती थी, वो राइट एंगल पर एक कट होती थी। तो उसके बीच में क्या होता था कि बीच में स्ट्रीट्स होती थी और उनके साइड में हाउसेज होते थे। तो इस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन होता था टाउन का। तो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो यानी कि ग्रेट बाथ, उस वहाँ के जो टाउन्स थे उसमें एक बहुत बड़ा बाथ बेदिंग सिस्टम भी था। वहाँ पर रिलीजियस बेदिंग, हम कह सकते कि हमें माना ही गया था कि वहाँ पर रिलीजियस बेदिंग होती थी। तो वो भी ब्रिक से बना हुआ था। तो वो 11.88 मीटर लॉन्ग था, 7.01 मीटर वाइड था, और 2.43 मीटर डीप था। वहाँ पे ग्रेनरीज भी थी। ग्रेनरीज क्या होता है, हम जहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा जो ग्रेन्स थी उनको हम स्टोर करते थे, वो थी। तो वो कहाँ हमें मिला था? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगन में और हड़प्पा में। तो बेसिकली ये भी माना जाता है कि वहाँ पे बार्टर सिस्टम भी था, और वहाँ पे जो टैक्स जो लोगों से लेते थे वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स लेते थे। तो अब जब वो ग्रेन्स ले लेते थे, टैक्स के सिस्टम में जो ग्रेन्स लेते थे, तो उनको वो कहाँ स्टोर करेंगे? तो उस स्टोरेज के लिए उनको ग्रेनरीज की ज़रूरत होती थी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और क्योंकि अभी इसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट भी करें।